क्राइम वर्ल्ड चैप्टर 3। एएसपी जैन तांबरे की प्रतिक्रिया सामने आने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। शनिवार नाइट को उसके साथ ब्लूम्स क्लब में वो अप्रिय घटना घटी थी जब उसका देवा से टकराव हो गया था। इसके तीसरे पहर पुलिस की एक गाड़ी पीटर के सैलून के सामने आ रुकी थी। चार पुलिसिये गाड़ी से उतरे थे और दनदनाते हुए अंदर आ घुसे थे। पीटर भी वहां था और देवा कई दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ था। पुलिसिया सीधा देवा की तरफ गए थे और उनमें से एक ने हुक्म दिया था, उठो हमारे साथ चलो। देवा गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। पीटर कुछ हैरत से यह सब तमाशा देख रहा था। देवा ने पीटर से कहा, मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं इस मुसीबत से सही सलामत निकल आऊँगा। तुम वकीलों को दौड़ाने और जमानतनामा तैयार करवाने में ज़्यादा जल्दी ना करना। अगर वकील 2 घंटे बाद भी जमानतनामा लेकर पहुँच गए तो गनीमत है। पुलिसिया देवा को लेकर डिटेक्टिव ऑफिस पहुँचे थे। फिर उसे ले जाकर एएसपी तांबरे के कमरे में धक्का दे दिया गया और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। देवा की जगह अगर कोई आम सा नौजवान होता तो उसकी वही हालत होती जो पुराने ज़माने में उस मुजरिम की होती थी जिसे फ़राउन के हुक्म पर भूखे शेरों के पिंजरे में फेंक दिया जाता था। लेकिन देवा ने अपने चेहरे से किसी किस्म का खौफ नहीं जाहिर होने दिया था। तांबरे उठा, घूमकर मेज़ के पीछे से निकला और देवा के सामने आ खड़ा हुआ। देवा ने उसे ठीक तरह से देखा। वो निसंदेह लंबा चौड़ा और मज़बूत आदमी था। उसके कंधे चौड़े थे और मजबूत जबड़ों से उसकी सख्त मिजाजी जाहिर होती थी। उसके होंठ जिस अंदाज से थोड़े खिंचे खिंचे थे उससे भी उसके मिजाज की क्रूरता प्रकट होती थी। इस वक्त वो नशे में नहीं था लेकिन इस वक्त भी उसकी आंखें सुर्ख नजर आ रही थीं। वो देवा को घूरता हुआ बोला, तो तुम ही हो वो लफंगे जिसने मेरे मुंह पर घूंसा जड़ दिया था। वो गुर्राया और मेरे गिरने के बाद मेरी पसलियों पर लातें भी मारी थीं। यस सर, देवा ने आराम से और अदब के साथ जवाब दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। आपके साथ जो लड़की थी अगर कोई घटिया दर्जे के बदमाशों की तरह बार बार उसे छेड़ता रहता, अपमान करता रहता, तो आप भी यही करते। अच्छा, तांबे व्यंग्य से बोला, मैं नहीं समझता कि तुम जैसे लफंगे के साथ कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जिसकी जिसका किसी बात से अपमान हो सकता है। कहते कहते अचानक उसके देवा के मुंह पर उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ दे मारा। देवा लड़खड़ा गया, उसका दिमाग हिलकर रह गया था, उसके होंठों से खून रिसने लगा था। एक क्षण के लिए उसका हाथ यूं उठा था जैसे वो तांबरे पर जवाबी वार करने वाला हो, मगर उसने वक्त पर अपने आप को रोक लिया था। अब मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत न करना, तांबरे जहरीले सांप की तरह फुंकारा, वरना अभी बाहर से 10-12 आदमियों को बुलाकर इतना पिटवाऊंगा कि तुम्हारा सारा जिस्म पिलपिला हो जाएगा। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है, देवा बड़बड़ाया। तुम इसी टाइप के आदमी लगते हो। क्या बकवास कर रहे हो, तांबरे ने उसे घूरा। असल में वो देवा की बड़बड़ा सही तरीके से सुन नहीं पाया था। कुछ नहीं, देवा ने टालने की कोशिश की। तुम्हारा धंधा क्या है, तांबरे ने पूछा। मेरा कोई धंधा नहीं है, देवा ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम शहर के किसी बहुत बड़े खुशहाल परिवार के कुलदीपक हो, वो जहरीले लहजे में बोला। फिर एकदम चिंगाड़ उठा, मैं कहता हूँ सीधी तरह मुझे अपने धंधे के बारे में बता दो। तुम्हें पीटर के गैंग के गुर्गों के साथ देखा जाता है, वो सबके सब मुजरिम हैं, जरायम पेशा हैं। तो पीटर के लिए क्या काम करते हो। कुछ खास नहीं, देवा ने जवाब दिया। ओह, तो तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर, उसने देवा के मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद किया। लेकिन मैं तुम्हें पुलिस वालों की इज्जत करना सिखा दूंगा। जल्दी बोलो, तुम पीटर के लिए क्या काम करते हो, क्या काम है तुम्हारा, चोरी चकारी लूटपाट राजनी या कुछ और। मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की, कभी लूटपाट नहीं की, कभी किसी राहगीर को नहीं लूटा। तुम लोगों के पास इस किस्म के मामलों में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, देवा ने दूसरे थप्पड़ से संभलने के बाद बुलंद आवाज़ में कहा। तो फिर तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनते हो, मैंने सुना है कि तुम जिस कार में घूमते हो वो भी तुम्हारी कार है, तांबरे बोला। मेरे आमदनी के अपने जरिए हैं, देवा बोला। वो तो ज़रूर होंगे, तांबरे ने जहरीले अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा। उन्हीं के बारे में तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या जरिए हैं, जल्दी बोलो वरना मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ। वो तुम्हारे साथ जो करेंगे उसे तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हरगिज़ ऐसा नहीं करता, देवा ने सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए निडरता से कहा। हो सकता है कल को मैं शहर का ताकतवर और दौलतमंद आदमी बन जाऊँ और तुम्हारे लिए कोई मोटी माहवार रकम फिक्स कर दूँ। तुम मेरी माहवार रकम फिक्स करोगे और मैं तुमसे वो रकम ले लूँगा। मैं रिश्वतखोर हूँ। अगर नहीं हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। सारे पुलिसी और डिटेक्टिव को जहाँ से मिल सकता है वहाँ से ले लेते हैं। बहुत सी जगहों से उनकी रकम में बंधी हुई है, देवा ने कहा। तांबरे का गुस्से से बुरा हाल था। उसका चेहरा सुर्ख तो पहले ही हो चुका था, अब खूंखार हो गया। ऐसा लगता था जैसे गुस्से से उसका जिस्म फूल रहा हो और कुछ देर में उसके कपड़े फटने वाले हों। वो हाँफते हुए बोला, मैं तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हारा एक बेहतर इलाज सोच लिया है। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर इस शहर से कहीं और दफ़ा हो जाओ। 24 घंटे बाद मैं इस शहर में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझ गए। समझ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूँ।
देवा ने कहा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। देवा वहां से वापस पीटर के पास पहुंचा। उसका होंठ कट गया था और सूजा हुआ था, गाल की हड्डी पर झोल पड़ गया था। पीटर परेशान बैठा था, देवा की हालत देखकर और भी परेशान हो गया। देवा ने जब उसे तांबरे से होने वाली बातचीत के बारे में बताया तो इसकी चिंता और बढ़ गई। पीटर चिंतित लहजे में बोला, ये तो बुरा हुआ, तांबरे बड़ा सख्त आदमी है, अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका जीना हराम कर देता है। भाड़ में जाए वो, देवा गुस्से से कुर रहा है। मैंने उसका रौब नहीं खाया, मैं किसी हालत में भी उसका हुक्म नहीं मानूंगा। वो तांबरे की दी हुई मोहलत खत्म होने के बाद भी शहर छोड़कर नहीं गया था। पीटर का अंदाज़ा भी सही था कि तांबरे उसका जीना हराम कर सकता है। तांबरे ने देवा को उठवाने या उसके साथ मारपीट करने की कोशिश नहीं की थी, अलबत्ता दूसरे तरीकों से उसको परेशान करके रख दिया था। पुलिस वाले देवा को दिन में कम 6 बार विभिन्न जगहों पर रोक लेते थे, उसकी तलाशी ली जाती थी, उससे सवाल जवाब किए जाते थे, सड़क पर उसका तमाशा बन जाता था, वो कहीं भी निश्चिंत होकर आ जा नहीं सकता था। कभी पुलिस वाले अचानक ही पीटर के सैलून में आ धमकते थे और सिर्फ देवा की तलाशी ली जाती थी, सिर्फ देवा से पूछताछ की जाती थी। गनीमत थी कि यह सिलसिला शुरू होने से पहले ही देवा ने अपने पास गन रखनी छोड़ दी थी। अगर पुलिस वाले उसके पास से कोई हथियार बरामद करने में कामयाब हो जाते तो फिर देवा की खैर नहीं थी, लेकिन गन के बगैर रहना भी उसके लिए कम खतरनाक नहीं था। देवा को मालूम था कि अभी विनायक शेट्टी गैंग के लोग उसके खून के प्यासे थे और उसकी ताक में रहते थे, इसलिए बगैर हथियार घूमने का मतलब किसी भी वक्त बेमौत मारे जाना था। एक हफ्ता उसके लिए सख्त काजमाइश में गुजरा था। उस दौरान वो लगातार मानसिक तनाव का शिकार रहा था, तरह तरह के अंदेशों के साथ साथ अपनी बेइज्जती की वजह से उस पर झुंझलाहट से सवार रहती थी। एक दिन तो पुलिस वाले लीना के फ्लैट में भी घुस गए थे, देवा उस वहीं मौजूद था। पुलिस वालों ने बहाना बनाया था कि वहाँ चोरी का माल मौजूद है और ये सूचना उन्हें विश्वस्त सूत्रों द्वारा मिली है, इसलिए वो तलाशी लेने आए। फिर उन्होंने लीना के पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया था। जब वो पूरे फ्लैट को कबाड़ खाना बनाकर फारिग हुए थे तो एक पुलिस वाले ने नदीदे अंदाज में बांछे फैलाते हुए लीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसका विनायक शेट्टी से अफेयर था। फिर वो जवाब का इंतजार किए बगैर लीना की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम वाकई ज़बरदस्त हो, अगर ये लड़का तुम्हारा दीवाना हो गया तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं कि तुम सिर्फ इसी बेवकूफ़ के साथ रहो, कभी कभी हम जैसों पर भी एक नज़र डाल लिया करो। आज शाम के बारे में क्या ख्याल है? देवा का खून खौल रहा था, उसकी कनपट्टियों में जैसे कोई चीज़ ठोकरें मारने लगी थी। उसका जी चाह रहा था कि सब पर टूट पड़े, चाहे उसका अपना कुछ भी हो, मगर उसने खुद पर काबू रखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, देखो तुम लोग, उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि लीना बीच में बोल उठी थी। वो नफरत भरी निगाहों से उन लोगों की तरफ देख कर बोली थी, मैं कभी भी किसी पुलिस वाले के साथ शाम गुजारने की अपेक्षा खुदकुशी कर लेना पसंद करूंगी। उसने मुंह फेर लिया। अब इतना झूठ भी ना बोलो, वही पुलिसिया दांत निपोड़ता हुआ बोला, पता नहीं अब तक तुम्हारी कितनी शामें पुलिस वालों के साथ गुजरी होंगी, और अगर इस लफंगे के साथ तुम्हारे संबंध जारी रहे, दूसरा बोला, तो अभी ना जाने तुम्हें कितनी शामें पुलिस वालों के साथ गुजारनी पड़े। हमारी तरफ इतनी नफरत और हिमाकत से मत देखो, मालूम नहीं कब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाए, फिर तुम हमारे सामने हाथ जोड़ोगे कि हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें। देवा और लीना अपनी अपनी जगह दोनों ही खून के घूंट पी रहे थे, फिर भी उन्होंने जुबान बंदी कर रखी थी, और ये उनके हक में अच्छा ही हुआ था। पुलिस वालों ने उनकी जान छोड़ दी थी, वहाँ से रुखसत हो गए थे। शुक्रवार को पीटर ने देवा को अपने ऑफिस में बुलाया था। वो छोटा सा एक कमरा था जहाँ हर तरफ बेतरतीबी नजर आती थी। देवा जब वहाँ पहुँचा था तो पीटर कोट उतार कर बैठा हुआ था। उसका कोट और सोने की चेन वाली घड़ी एक कुर्सी की बैक पर लटके हुए थे। पीटर के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी और होठों में कीमती हवाना सिगार दबा हुआ था, उसे सुलगाया नहीं गया था। बैठो देवा, उसने हाथ लहराया। देवा बैठ गया। उसके मन में विभिन्न आशंकाएं उठने लगी थी क्योंकि काम की बातें आमतौर पर पीटर बार के काउंटर पर ही कर लिया करता था, कामों की रिपोर्ट भी वहीं ले लिया करता था, माल भी वहीं वसूल कर लेता था। पीटर यह काम उस वक्त किया करता था जब बार में ग्राहक नहीं हुआ करते थे, वैसे इक्का दुक्का ग्राहक होते भी थे तो वो परवाह नहीं किया करता था। ऑफिस में पीटर अपने किसी कारिंदे को उसी वक्त तलब करता था जब कोई बहुत ही खास बात होती थी। मेरा पिछला हफ्ता बहुत परेशानी से गुजरा है देवा, पीटर ने बात शुरू की। पुलिस के डिटेक्टिव असल में सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़े हुए, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे गैंग को परेशान करना शुरू कर दिया है। तांबरे वाला मामला इतना संगीन है कि अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तांबरे को बदला लेने का मौका नहीं मिल जाता तब तक वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। अगर तुम्हारे पास काफ़ी रकम हो और तुम वो तांबरे को भेंट कर सकते हो तो शायद उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाए, लेकिन तुम फिलहाल ऐसा करने की पोजीशन में भी नहीं हो। उसने खामोश देखकर देवा की तरफ देखा। देवा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ बोलने से पहले पीटर की पूरी बात सुनना चाहता था। पीटर ने गहरी सांस लेकर उदास से लहजे में बात आगे बढ़ाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे गैंग को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तांबरे हेडक्वार्टर में भी हमारे खिलाफ़ गवाह बना रहा है, आए दिन वो हमारे किसी न किसी आदमी को उठवा लेता है, हमारे धंधों को ख़राब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है।
अगर हमने बहुत से पुलिस वालों का हफ्ता नहीं बांध रखा होता तो हमारा कारोबार ही ठप हो जाता। हर रोज़ पुलिस वाले किसी न किसी बहाने यहाँ आ धमकते। वो आते तो तुम्हारे चक्कर में, लेकिन अगर वो इसी तरह आते रहे तो मुमकिन है कि हमारे धंधों के बारे में कोई बड़ा सबूत उनके हाथ लग ही जाए। उसके बाद ताम्रे पूरे गैंग को उथल पुथल करने में कामयाब हो जाएगा। हम सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंसे पड़े। सिर्फ एक आदमी की वजह से मैं अपने पूरे गैंग को और अपने सारे धंधों को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए तुम यहाँ आना छोड़ दो। यानी तुम मुझे गैंग से निकाल रहे हो? देवा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में पूछा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीटर जल्दी से बोला था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि हमारे साथ हमेशा तुम्हारा संबंध बना रहे। जब तक हालात हमारे हक में नहीं जाएं तब तक सावधान रहना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तुम दिखाने के लिए ही सही गैंग से और इस जगह से अलग हो जाओ। इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ ठीक कहते हो तुम, देवा कड़वे लहजे में बोला, लेकिन मैंने जो प्लानिंग की थी और जिनकी वजह से बढ़िया और निरंतर आमदनी हो रही है उनका क्या बनेगा? उसमें से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा, पीटर फौरन बोल पड़ा था। हर शनिवार की रात को जहाँ तुम कहो तुम्हारा हिस्सा पहुँचा दिया जाएगा। तुम्हें इस सिलसिले में ज़रा भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हमेशा ईमानदारी से चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा हक तुम्हें मिलता रहे, इससे मुझे इनकार नहीं है। ना ही मैं कभी इस मामले के प्रति हेरा फेरी का ख्याल भी दिल में लाऊंगा। मैं बस पूरे गैंग को बचाने के लिए यह कदम उठा रहा हूँ देवा। ठीक है, मैं भी पूरे गैंग के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता हूँ, देवा ने सपाट लहजे में कहा और पीटर से हाथ मिलाकर बाहर आ गया। वो नीचे बार में आ बैठा। इस वक्त उसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था, लेकिन उसका सपाट चेहरा देखकर किसी को भी उसके अंदरूनी हालत का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। वो दिल ही दिल में खुद को समझा रहा था कि शरीफ कारोबार हो या गिरोह के प्रबंध, सभी जगहों पर उसूल एक ही चलता था। जब बाजी हार जाने का खतरा महसूस होता था तो सबसे कमज़ोर मोहरे को पिटवा दिया जाता था। आड़े वक्त में उसके गैंग ने उसका साथ देने के बजाय उससे पल्ला झाड़ दिया था। उसने एक पैग लिया और उसे अपने जहन से झटकने की कोशिश की। उसने अपने दिल को समझाया कि इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया इसी का नाम है, कभी धूप कभी छाँव। वो अपने ख्यालों से तब चौंका था जब काउंटर पर उसकी बगल में बैठे शख्स ने उसे हल्के से कोहनी मारी थी, बहुत आहिस्ता से। ये भी गैंग का ही एक आदमी था और उसके बराबर ही स्टूल पर बैठा हुआ था। वो प्रत्यक्षता देवा से असंबंधित सही और होठों को ज़्यादा खोले बगैर ही सरगोशी में बोला था, शेट्टी गैंग के लोगों ने आज तुम सब पर निर्णायक हमला करने की योजना बनाई है। मुझे खबर मिली है कि आज रात वो हर हाल में तुम्हें ठिकाने लगा देना चाहते हैं। मैंने सोचा तुम अपने आदमी हो, मैं तुम्हें खबरदार कर दूं। देवा ने खतरे की सूचना देने वाले की तरफ गौर से नहीं देखा था, सावधानी का तकाजा यहाँ था। उसने भी होंठ हिलाए बगैर कहा, वो लोग पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं जिंदा और सलामत यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मालूम है कि वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, सूचना देने वाले ने कहा, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार उनकी नाकामी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, वो कामयाब रहेंगे। खतरे से होशियार करने के लिए थैंक यू, देवा ने पूर्व दबी आवाज़ में कहा। मेरा ख्याल है कि मुझे फ़ौरन अपने पास गन रखने का इंतज़ाम करना होगा, पुलिस से सामना होने का खतरा तो हुआ करे, मुझे ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। उस शख्स ने हल्के से सहमति में गर्दन हिला दी। देवा आगे बोला, मैं कोशिश करूंगा कि उनके निहत्थे चढ़ने से पहले ही गन इधर उधर कहीं फेंक दूँ। उसने हल्की फुल्की गपशप करने के स्टाइल में कहा, जैसे कि आमतौर पर बार में दो अजनबी शुरू कर दिया करते हैं। मेरे पास गन भी नहीं है, मैं गन लेने अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ। वो बाहर से बाहर निकल आया। फुटपाथ पर आकर उसने इशारे से अपने बॉडीगार्ड जगमोहन को बुलाया। जगमोहन सड़क की दूसरी तरफ एक खंभे के नीचे छुपा ड्यूटी दे रहा था। वो टहलता हुआ आया और देवा के सामने आकर यूं रुककर मुस्कुराने लगा जैसे दो जान पहचान वाले सड़क पर इत्तेफाक से मिल गए। देवा भी उसी तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ मिलाते हुए बोला, मुझे खबर मिली है कि शेट्टी गैंग के आदमी आज मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं। मेरे पास कार भी नहीं है, मैं कार लेने फ्लैट पर जा रहा हूँ। अब ज़रा और भी ज़्यादा होशियारी से मुझ पर निगाह रखना और अपने इर्द गिर्द वालों पर भी होशियारी से खबरदार रहना। देवा ने इधर उधर देखा और जगमोहन को विदा कर फुटपाथ पर आगे बढ़ गया। देखने में वो बड़ा लापरवाह दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में उसकी नज़र चारों तरफ थी। जगमोहन मुनासिब फासला रखकर उसके पीछे चला आ रहा था, उसका हाथ अपने कोट की जेब में था। देवा घर पहुंचा था तो उसे लीना का मूड भी ख़राब नज़र आया था। पुलिस लीना की मीटिंग कर रही थी, वो कई बहानों से फ्लैट पर आ धमकते थे और उससे उल्टे सीधे सवाल करते थे, छुपे तौर पर धमकियाँ देते थे, और ये सब कुछ देवा की वजह से हो रहा था। लीना तनावग्रस्त रहने लगी थी और वो चिड़चिड़ी हो गई थी। उन्होंने रात को खाना भी तनाव भरे माहौल में ही खाया था। उसके बाद देवा का दिल वहाँ टिकने को नहीं चाहता। दरअसल उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था, वो अंदर ही अंदर बेचैन और आतंकित था। आखिर वह अकेले ही फिल्म देखने निकल पड़ा। उसने सोचा था कि शायद फिल्म देखने से उसका दिल बहल जाएगा और तनाव कुछ कम हो जाएगा। सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठकर उसने अपने आप को कुछ सुरक्षित महसूस किया। फिल्म खत्म हुई तो सिनेमा हॉल से निकल रहे दर्शकों का जायजा लिया कि कहीं उनमें कोई तांबरे विनायक शेट्टी का कोई कारिंदा तो नहीं है, वो दोनों ही उसके दुश्मन थे। ये भी एक विडंबना ही थी कि कानून तोड़क और कानून रक्षक, वो दोनों ही आंखों में खटकने लगा था। भीड़ में उसे ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था जिस पर देवा को दुश्मन होने का संदेह हो सकता।
वो तेज तेज कदमों से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी कार अभी तक गैरेज में थी। शनिवार रात उस पर जो फायरिंग हुई थी उसमें कार को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। देवा ने उसे रिपेयरिंग के लिए दे रखा था। कारोबारी इलाके से निकलने के बाद देवा ने छोटी छोटी नीम अंधेरी गलियों से गुजरना शुरू कर दिया। एक गली में अचानक ही उसे एहसास हुआ था कि उसके पीछे से किसी और के कदमों की आवाज़ भी उभर रही थी। उसने ज़रा सी गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। तीन आदमी उससे ज़रा पीछे गली के दूसरी तरफ चले आ रहे थे। देखने में वो उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, मगर देवा की छठी इंद्री ने उसे खतरे का एहसास दिला दिया था। उसका हाथ फौरन ही जेब में रेंग गया था। जेब से उसका हाथ जब गन के ठंडे लोहे पर पड़ा तो उसे बड़ी तसल्ली मिली थी। उसने पुष्टि कर लेनी चाहिए कि वो तीन तिलंगे उसके पीछे ही आ रहे थे या नहीं। अचानक ही वो एक और गली में मुड़ गया और तेज़ तेज़ चलने लगा। तीनों तिलंगे भी उसी गली में आ गए थे। उन्होंने भी चलने की स्पीड बढ़ा दी थी। अब देवा को यकीन हो गया था कि वो लोग उसी का पीछा कर रहे हैं। उनका मकसद उसे ख़त्म कर देना है। शायद उन्हें इंतज़ार था कि वो पहले से निश्चित किसी जगह पर पहुंच जाएं, या फिर वो वैसे ही किसी मुनासिब मौके के इंतज़ार में थे। देवा अच्छी तरह समझ चुका था कि अब उनके हाथ भिड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर वो भागने की कोशिश करता तो शायद वो सब बेकार ही रहना था। इस वक्त देवा को एक नई और अनोखी किस्म की दहशत महसूस हो रही थी, जो इससे पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। किसी तंग और अंधेरी गली में अपने संभावित कातिलों के आगे आगे चलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी को कानूनी तौर पर मौत की सज़ा सुनाई गई हो और जब वो शख्स फांसी के तख्ते की तरफ या बिजली की कुर्सी की तरफ जा रहा हो। देवा के पीछे आने वाले धीरे धीरे उसका पीछा करते बिल्कुल उसके पीछे पहुंच गए थे। देवा को अंडरवर्ल्ड की ज़िंदगी में एक अहम तजुर्बा हासिल हुआ था कि अचानक और अपेक्षित हमले की बड़ी अहमियत होती है। कई बार इससे बड़ा अनपेक्षित फ़ायदा हो जाता है। उसने दहशत में हो जाने के बजाय यही दांव खेलने का फैसला कर लिया था। देवा बिजली की सी तेज़ी से एक इमारत की दीवार की ओट में आया और धुआंदार फायरिंग शुरू कर दी। तीनों आदमियों ने फौरन जवाबी फायर किए थे। गोलियां देवा के आसपास दीवारों से टकराई थीं, प्लास्टर उधेड़ कर गिर गई थीं। उसी क्षण जगमोहन ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। अब देवा के दुश्मनों को अंदाज़ा हुआ कि वे गली के बीचों बीच दोनों तरफ से घिर गए हैं और उन्हें किसी किस्म की पनाह भी उपलब्ध नहीं है। फायरिंग शुरू होने से पहले बेशक देवा आतंकित था, लेकिन गन हाथ में आते ही जैसे वो एकदम शांत हो गया था। शायद उसे यकीन हो गया था कि अब वो मुसीबत एकदम सर पर आन पहुंची है और हम हर सूरत में उसका सामना करना ही है, इसलिए वो सुकून से निशाना लेकर फायरिंग कर रहा था। जबकि उसके तीनों दुश्मन दोनों तरफ से फायरिंग होती पाकर इतने बदहवास हो गए थे कि उन्हें कोई आड़ लेने का मौका भी नहीं मिल सका था। फिर देवा ने उन तीनों को तीनों में एक को चीख कर ढेर होते देखा था। वो उठ ही नहीं सका था। दूसरे भी गिरे थे मगर वो उठ खड़े हुए थे और एक दूसरे का सहारा लेकर एक तरफ को लंगड़ाते हुए भागने लगे थे। उन्हें भी यकीनन गोलियां लगी थी, लेकिन फिलहाल वो जानलेवा साबित नहीं हुई थी। जबकि देवा को कत्ल करने के इरादे धरे के धरे रह गए थे और उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए थे। कुछ ही पल में वो गायब हो गए थे। उसी समय फिर कहीं दूर पुलिस की एक कार ने तेज़ आवाज़ में सायरन बजा दिया था। देवा अपने निश्चल पड़े दुश्मन के पास से पैदल चलता हुआ जगमोहन की तरफ आया। उसे उस गिरे पड़े शख्स के पास रुके बगैर ही पता चल गया था कि वो मर चुका है। बहुत खूब, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है, देवा जगमोहन का कंधा थपथपाकर बोला। फिर उसका हाथ पकड़कर एक अंधेरी गली की तरफ भागते हुए उसने कहा, आओ इधर से निकलो। अंधेरी गली में पहुंचकर उसने जगमोहन से कहा, अपनी गन फेंक दो। देवा ने अपनी गन भी फेंक दी। जगमोहन ने भी अपनी गन उसी मकान के पास एक गली में फेंक दी थी जिसमें देवा ने अपनी गन फेंकी थी। अब अगर हम पकड़े भी गए तो कम से कम हमारे पास से कोई हथियार बरामद नहीं होगा, देवा ने गहरी सांस लेकर कहा था। वो दोनों दौड़ रहे थे। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, जितनी दूर हो सके निकलने की कोशिश करना। अगर कोई नज़र आए तो किसी आम राहगीर की तरह आराम से चलने लगना। अगर तुम पकड़े भी जाओ तो हरगिज़ ये न कहना कि आज शाम हम मिले थे। उसने हाँ में सिर हिलाया, दोनों अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गए। जिस्म के साथ साथ देवा का जहन भी तेज़ी से चल रहा था। उसे मालूम था कि जल्दी ही पुलिस को वो लाश मिल जाएगी और उसे फ़ौरन ये भी पता चल जाएगा कि वो विनायक शेट्टी का आदमी था। उसके बाद उन्हें यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि उसे किसने मौत के घाट उतारा होगा। उसे यकीन हो गया कि पुलिस जल्दी उसकी तलाश शुरू कर देगी। अब पुलिस और शेट्टी के आदमी पहले से भी तेज़ी से उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। अब इस शहर में रहना लगभग उसके लिए नामुमकिन हो गया था। उसके लिए कम से कम कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर हो जाना ज़रूरी हो गया था, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए कहाँ गायब हो सकता था और उस दौरान कैसे गुजर बुजर कर सकता था, वो इन्हीं ख्यालों में गुम चला जा रहा था। अचानक उसे पिक्चर में ब्रेक के साथ कई बार दिखाया गया। फौज में भर्ती होने की अपील वाला विज्ञापन याद आ गया। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने उस विज्ञापन पर उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने इस बारे में सोचा तो उसे फौज में भर्ती होने के कई फायदे नज़र आए। कोई उसे तलाश करने के लिए फौज में नहीं जा सकता था। किसी के दिमाग में नहीं आ सकता था कि वो फौज में भी भर्ती हो सकता। फौज में भर्ती होकर ना सिर्फ वो लोगों से छुपा रह सकता था बल्कि गुजारी की फिक्र से भी मुक्त हो सकता था। उसे नई नई जगह देखने का मौका मिल जाता, नए नए लोगों से मुलाकातें होती रहती उसकी, न जाने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी उसे मुफ्त में मिल जाती। ये भी उसकी पसंद का मैदान था। उसे यह भी उम्मीद थी कि वह ज़्यादा लंबे अरसे तक फौज में नहीं फंसा रहेगा।
उसे इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती थी कि जंग का फैसला जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों का रिकॉर्ड ही ऐसा था कि वो ज़्यादा दिनों तक ना 65 की जंग में भारतीय फौजों के सामने टिक पाई। 71 के युद्ध में आखिरकार उन्हें बेइज्जत होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। देवा की नज़र में यह तजुर्बा कुछ ऐसा ही था जैसे वो कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियां बिताने कहीं चला जाए। मैदान जंग की भयंकरता की अभी उसे कोई कल्पना नहीं की थी। देवा के ख्याल में उसके अपने गली कूचे उसके लिए ज़्यादा भयंकर और खतरनाक जंग के मैदान थे, जहाँ घात लगाकर और छुपकर दुश्मन को मारा जाता था। मैदान जंग इस लिहाज से बेहतर था कि वहाँ आमने सामने की लड़ाई होती थी, लड़ने वालों को ये मालूम होता था कि उसका दुश्मन कौन था और कहाँ था। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद देवा ने फौज में भर्ती होने का फैसला कर लिया था। देवा को पूरी उम्मीद थी कि जितना अर्सा वो फौज में गुजारेगा उतने अर्से में यहाँ उसकी तलाश का मामला ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल वो लीना के घर पीटर के अड्डे पर या अपने घर कहीं भी नहीं जा सकता था। उसे मालूम था कि उसकी तलाश में पुलिस इन तमाम जगहों को खंगाल डालेगी। उसने पीटर को फ़ोन किया और नीचे आवाज़ में बोला, देवा बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मेरी शेट्टी गैंग के 3 आदमियों से भिड़ंत हो गई थी, उनमें से एक मारा गया, 2 जख्मी हो गए। मेरा ख्याल है कि पुलिस जल्दी ही मेरी तलाश सरगर्मी से शुरू कर देगी। मैंने कुछ अर्से के लिए शहर छोड़ देने का फैसला किया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे और लीना से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ खामोशी रही। देवा ने अभी ठहर कर सावधानी से इधर उधर देखा और फिर धीमे सर में बोला, मगर ना तो मैं लीना के घर जा सकता हूँ ना ही तुम्हारे ठिकाने पर आना चाहता हूँ। इसी में हम सबकी भलाई है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? पीटर ने कहा, मुझे लीना से मिलना है। पीटर ने सिर्फ एक क्षण सोचा फिर बोला, मेरा ख्याल है कि मेरी जानने वाली औरतों में से किसी के घर मुलाकात कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। उसने देवा को एक औरत का नाम और एड्रेस बताकर कहा, यह जगह सुरक्षित है, मैं अभी वहाँ के लिए रवाना हो जाता हूँ, तुम भी वहाँ पहुँचो। उसके बाद देवा ने लीना को फ़ोन करके वो एड्रेस समझाया और उसको वहाँ पहुँचने के लिए कहा। फ़ोन बंद करके उसने एक टैक्सी रोकी और उस एड्रेस पर जा पहुँचा। उस औरत का अपार्टमेंट तलाश करने में उसे कठिनाई नहीं हुई थी, जो शहर में एक पॉश इलाके में इमारत थी जिसके अपार्टमेंट बड़े बड़े थे। पीटर की जानने वाली औरत का नाम सपना था और उसका अपार्टमेंट 3री मंजिल पर था। सपना ने सावधानी से दरवाजे की झर्री से देवा का जायज़ा लेने के बाद ही देवा के लिए दरवाज़ा खोला था। वह एक भारी भरकम सी औरत थी जिसने बाल गोल्डन कलर में डाई किए हुए थे। अपार्टमेंट खूब अच्छी तरह से शालीन ढंग से सजा हुआ था। पीटर वहाँ मौजूद था। सपना ने ड्रिंक से उनका सत्कार शुरू कर दिया था। देवा ने पीटर को अपनी योजना के बारे में बताया। पीटर ने कुछ क्षण सोचा फिर समर्थन में सिर हिलाकर बोला, मेरा ख्याल है ये एक उम्दा तरीका है। उसके समर्थन से देवा को हौसला मिला और वो अपने फैसले पर अटल हो गया। पीटर बहरहाल उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार था। कुछ देर बाद लीना भी आ पहुँची थी। वो इस तरह अजनबी जगह बुलाने पर कुछ खौफजदा और परेशान सी नजर आ रही थी। पीटर और सपना उठकर दूसरे कमरे में चले गए थे ताकि देवा और लीना एकांत में खुलकर बात कर सके। देवा ने लीना को भी अपने फैसले से अवगत करा दिया। पीटर के विपरीत लीना ने उसकी योजना का जरा भी समर्थन नहीं किया था। वो देवा के सीने से लगकर रोते हुए बोली, जंग के मोर्चे पर जाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं अपशकुन नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि लड़ाई में तुम मारे जाओगे। मारा तो मैं यहाँ भी जाऊँगा डार्लिंग, देवा बोला, और अगर पकड़ा गया तो जाने कितने सालों के लिए मुझे जेल में ठूस दिया जाएगा। वो सज़ा मौत से भी बदतर होगी। लेकिन देवा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? लीना से सकते हुए बोली, मेरी अकेले में गुजर बसर कैसे होगी? मैंने पीटर से बात कर लिया, वो हर हफ्ते तुम्हें पैसे भिजवाता रहेगा, तुम्हारी गुजर बसर होती रहेगी। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देवा उसे थपकते हुए बोला। बेफिक्र रहो, मैं कुछ महीने बाद ही फौज से जिंदा सलामत वापस आ जाऊँगा। फिर वो लीना के आंसू से भीगी आंखों में झांकता हुआ नहायत ही ठहरे हुए लहजे में शब्दों पर जोर देकर बोला, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम अपने इंतज़ार में पाऊँ। ज़रूर ज़रूर, उसने भाभा वेश में देवा को बाहों में भींच लिया। तुम मुझे इंतज़ार में पाओगे? मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी। तुम्हें शायद अब भी अंदाज़ा ना हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए आना ही होगा। आओगे ना? लीना ने आंसू भरी निगाहों से देवा की तरफ देखा। आंसुओं की नमी उसके होंठों पर भी थी और होंठ धीरे धीरे लरज रहे थे। हाँ, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, देवा ने कहा, फिर अपने प्यार के साथ उससे विदा लेकर कमरे से निकल गया। लीना की सिसकियाँ तब तक भी नहीं थमी थी। देवा अपने ऊपर भावनाओं को कभी हावी नहीं होने देता था, लेकिन इस वक्त भावावेश में उसका दिल भी हौले हौले थरथरा रहा था। जब वो उस अपार्टमेंट से निकला तब भी उसके कानों में लीना की सिसकियाँ गूंज रही थी। वो उनकी तरफ से ध्यान हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। पीटर ने अपनी कार में उसे दादर रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दिया। देवा ने यह सफ़र भी पिछली सीट पर के फर्श पर लेट कर किया था। दादर से रात के 1 बजे एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होती थी। देवा वो ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो गया। अपने कागजात वगैरह उसने लीना से फ़ोन पर कहकर मंगवा लिए थे। अब वो कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। 10 दिन बाद देवा फौज में भर्ती हो चुका था। तगड़े जिस्म और निशानेबाजी की प्रैक्टिस की वजह से उसे चुन लिया गया था। मूलतः भारतीय होने के अलावा भी उसके सारे कानूनी कागजात कंप्लीट थे ही, इसलिए उससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की गई थी। देवा एक अच्छा फौजी साबित हुआ था।
ट्रेनिंग के बाद उसे मशीन गन कंपनी में तैनात किया गया था। इससे वो बहुत खुश था। उसके ऑफिसर्स उसकी निडरता और दिलेरी देखकर सख्त हैरान थे, जबकि देवा की नज़र में यह कोई खास बात नहीं थी। जान हथेली पर लिए फिरने का देवा का तजुर्बा पुराना था, बल्कि उसे तो मैदान जंग में लड़ना कहीं ज़्यादा आसान लगता था। वो दिल ही दिल में सोचता था कि मुजरमों की दुनिया में तो उसे अकेले ही मौत का सामना करना पड़ता था, जबकि मैदान जंग में उसके दाएं बाएं उसके सैकड़ों साथी उसकी मदद के लिए मौजूद होते थे दिन रात। वो सब सामूहिक रूप से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते थे। यहाँ अगर खतरे ज़्यादा थे तो सुरक्षा प्रबंध भी ज़्यादा थे। मसलन खंदक में बैठकर लड़ने से ही खतरे काफ़ी कम हो जाते थे। मुजरिमों की दुनिया में गली कूचों की लड़ाइयों में खतरे कहाँ मिलते थे। कुछ वक्त बाद ही उसे अपनी कंपनी का सार्जेंट बना दिया गया था। फौज में ज़्यादातर नौजवान गांव देहात से आए हुए थे। वो बहुत जल्द मुंबई के तेज तर्रार जवान देवा से प्रभावित हो जाते थे। अहदे के हिसाब से भी वो उसका हुक्म मानने के पाबंद होते ही थे, लेकिन देवा की शख्सियत में जो खास बात थी उसके चलते वो दिल से भी उसे अपना लीडर मान लेते थे। कई लोग तो अहदे में देवा से बड़े होते थे फिर भी उसके दोस्त बन जाते थे। एक रात तो उसने अपने साथियों को हैरानी कर दिया था। उस रात एक पहाड़ी पर जंगल में उनका आतंकवादियों से खूनी मुकाबला हो गया था। तमाम रात दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग और गोलाबारी जारी रही थी। सुबह देवा इस हालात में जंगल में से निकला था कि उसने अपनी पीठ पर अपने कैप्टन को डाल रखा था। कैप्टन बुरी तरह जख्मी और बेहोश था। खुद देवा भी अपने ही खून में नहाया हुआ लग रहा था। उसका चेहरा खून से तर था और आंखों पर भी खून इस तरह फैला हुआ था कि उसके लिए ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। खुली जगह पर आकर उसने देखा कि उस मोर्चे पर मौजूद उसके तमाम अफसर शहीद हो चुके थे। फौजियों की कमान करने के लिए कोई नहीं बचा था। वो सारे नए रंगरूट यानी रिक्रूट थे और घबराए हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ पता नहीं था वे कब चौकी छोड़कर भाग निकलते। देवा ने अपने कैप्टन को आहिस्ता से ज़मीन पर लिटाया, अपनी आंखों पर से खून पहुंचा, फिर दो साथियों को पास बुलाकर कैप्टन की तरफ इशारा करते हुए हिदायत दी, तुम अपनी फर्स्ट एड किट से इनकी जितनी भी बरम पट्टी कर सकते हो कर दो। उसके बाद एक सार्जेंट की हैसियत से देवा ने उस छोटी सी चौकी की कमान खुद संभाल ली थी। दिन चढ़ते ही पीछे से कुमुक आ गई थी, जिसकी कमान एक कर्नल साहब के हाथ में थी। आने वालों को अंदेशा था कि वो चौकी उनके हाथ से निकल गई होगी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि ना सिर्फ चौकी पर उनका कब्जा बरकरार था, बल्कि इन नए जवानों ने आतंकवादियों को भी पीछे ढकेल दिया था। कर्नल ने देवा को कंपनी की कमान करते हुए इस पोजीशन में एक पहाड़ी पर देख लिया था कि देवा का पूरा चेहरा खून से सनी पट्टियों से लिपटा हुआ था। देवा की पतलून सिर्फ घुटनों तक बाकी रह गई थी। जख्मी टांगे खून और बर्फ में लिपटी पड़ी थी। वर्दी की कमीज की जगह महज चिथड़े लपटे दिखाई दे रहे थे। उसकी पट्टियों में से सिर्फ उसकी आंखें और होठी नजर आ रहे थे। कर्नल को यह भी पता चला कि देवा को दो रातों और दो दिन से पलक झपकने का मौका भी नहीं मिल सका था। उस दौरान उसके जख्मों में भी इजाफा होता रहा था। इसके बावजूद उसने चौकी की कमान संभाल कर न सिर्फ लड़ाई जारी रखी थी बल्कि बढ़त भी बना ली थी। उसे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरत से चिल्ला उठा, हे भगवान, यह आदमी है या कोई जिन भूत? इसने चौकी की कमान पूरे हालात में इतनी अच्छी संभाली कि कोई सीनियर कैप्टन या मेजर भी नहीं संभाल सकता था। अगर दुश्मन इस चौकी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते तो फिर वो पीछे की तरफ जाकर हमारा सफाया भी कर देते। कर्नल ने यह सब कुछ अपने साथी ऑफिसरों को भी बताया। फिर उसने देवा को उसकी पोजीशन से वापस आने का हुक्म दिया। वो पहाड़ी पर मशीन गन लिए लगभग आधा लेटा हुआ था। कर्नल ने अपने मातहतों को हुक्म दिया, उसे नीचे लाओ, उसके जख्मों की ड्रेसिंग करो। देवा को नीचे लाया गया। कर्नल ने नकली नाराजगी से कहा, तुमने ये सब क्या किया? मैं क्या करता सर, देवा ने आदर से सलूट ठोकने के बाद कहा। कुछ फौजी शहीद हो गए थे, कुछ बुरी तरह जख्मी थे, मैंने उन्हें पीछे भिजवा दिया। अगर वो लोग बेहोश ना होते तो यकीनन यहाँ से एक इंच भी पीछे आने को तैयार ना होते। वो सब लोग बहुत बहादुरी से लड़े, वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। जब कोई ऑफिसर यहाँ बाकी ना रहा तो मुझको खतरा हुआ सर कि कंपनी बिखर ना जाए और हार ना मान ले। जब तक जवानों को कमान करने के लिए ऑफिसर मौजूद रहे हैं सर, तब तक जवान जान लड़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी कमान संभालने वाला ना हो तो वो घबरा जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं, बिखर जाते हैं, मूर्खता बमूर्खता करते चले जाते हैं, देवा ने अटक अटक कर कहा था। यह सब कुछ सुनकर कर्नल मुस्कुराए बगैर ना रह सका। फिर कर्नल ने अपने साथ आने वाले ऑफिसर से कहा, सुन रहे हो, ये कम उम्र का ताज़ा ताज़ा जूनियर ऑफिसर कैसी बातें कर रहा है, जैसे बड़ा तजुर्बेकार सोल्जर हो। बड़ी बात नहीं थी कि ये इसी जज्बे और जोश के साथ अगर उस पहाड़ी पर डटा रहता तो इसकी खोपड़ी भी उड़ चुकी होती और वो बेशक हमारी फ़ौज को बहुत बड़ा नुकसान होता। फिर वो देवा की तरफ घूमा, मैं कर्नल रहीम खान हूँ, इस कंपनी की कमान अब कैप्टन प्रदीप तौरा संभाल लेंगे। मैं तुम्हें नीचे भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारा सही तरह से इलाज हो सके। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम जैसा आदमी बर्फ़ की वजह से मर जाए। देवा ने कर्नल को सैल्यूट किया और ना चाहते हुए भी पीछे चला आया था। बाद में कर्नल रहीम को इस मोर्चे का और विवरण प्राप्त हुआ था, जिससे देवा की कार्यकुशलता के कुछ और पहलू सामने आए थे।
कर्नल इस जवान की बहादुरी, अकलमंदी और स्थिर मिजाजी से बहुत खुश हुआ था। कर्नल ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर भेज दी थी, जिसके आधार पर देवा के लिए दो मेडल्स की सिफारिश कर दी गई थी। देवा इस पर खुश तो था, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसको तमगे देने का तकल्लुफ क्यों किया जा रहा है। उसने तो अपनी समझ में कोई कारनामा नहीं दिखाया था। देवा के ख्याल में अगर उसे जुर्म की दुनिया में गली कूचों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ती तब भी वो ऐसे ही करता। जैसा कि देवा का अनुमान था, आतंकवादी फौजें भाग खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने साथियों की लाशें उठाकर ले जाना तो दूर की बात थी। देवा को सख्त जख्मी होने के आधार पर फौज से डिस्चार्ज करा दिया गया था। उसे ऑफिस ड्यूटी ऑफर की गई थी, जिससे उसने इनकार कर दिया था। उस दौरान उसकी सैलरी और भत्तों से बची हुई रकम जमा होती गई थी, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद भी कई महीने उसे अस्पताल में रहकर अपना इलाज करवाना पड़ा था। रकम उसे इकट्ठी मिल गई थी, वो करीब 40,000 रुपये थी। फिलहाल देवा की कुल जमा पूंजी वही रुपये थे। देवा ने रकम एक बेल्ट में डालकर बेल्ट को कपड़ों के नीचे कमर पर फंसा लिया था। जंग के दौरान देवा को लीना की याद इतनी शिद्दत से आती रही थी कि अगर उस वक्त यह रकम उसके पास होती और कोई उसे वादा करता कि वो इस रकम के बदले लीना को उसके पास ला सकता है, तो देवा हंसी खुशी यह सौदा कर लेता। इस लिहाज से यह अच्छा ही हुआ था कि यह रकम उसके घर जाते वक्त ही दी गई थी। मैदान जंग से वापसी पर देवा जैसे ज़्यादा माहिर और ज़्यादा तजुर्बे का कातिल बन चुका था, लेकिन कोई उसे कातिल कहकर नहीं पुकार सकता था। अब वो फौज से छुट्टी पाए हुए एक इज्जतदार जूनियर ऑफिसर था। उसने सरकारी खर्चे पर एक वक्त में एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारने की ट्रेनिंग हासिल कर ली थी, लेकिन जाहिर है कि कोई उसे ये उम्मीद तो हरगिज़ नहीं रखता था कि वो अमन के ज़माने में अपनी योग्यताओं को शहर के गली कूचों में आजमाने की सोच भी सकता है। उसे एक शरीफ, कानून पसंद, इज्जतदार शहरी की हैसियत से घर वापस भेजा गया था। वापस आते वक्त देवा के जहन में दौलत कमाने की कई नई योजनाएं बन चुकी थीं। उसने अपने मेडल छुपा कर रख दिए थे। उसके ख्याल में उसे समाज में इनके प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही देवा को अपना चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत रही थी। जंग से वापसी पर वो जैसे एक नया चेहरा लेकर आ रहा था। जंग ने जहाँ उसे कई नए और अनोखे तजुर्बे दिए, वहीं उसको ये नया चेहरा भी दिया था। दरअसल जंग के दौरान एक खौफनाक मुकाबले में देवा का चेहरा भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। बाकी जख्मों के भर जाने के बाद उनके निशान भी लगभग मिट गए थे, लेकिन उसके बाएं गाल पर जख्म का एक लंबा और गहरा निशान बाकी रह गया था। यह निशान देवा की थोड़ी से लेकर गाल की हड्डी से होता हुआ उसके कान की लौ तक चला गया था। जख्म पर कई टांके लगे थे। निशान के अलावा उस जख्म का एक ही असर भी बाकी रह गया था कि देवा का ऊपरी होठ कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ खिंच गया था कि अब वो सदा ऊपर उठा रहता था। इस वजह से उसका मुंह थोड़ा सा हर वक्त खुला रहता था। जख्म से और टांके लगने से उसके चेहरे की मांसपेशियां कुछ इस तरह प्रभावित हुई थी या खिंचकर रह गई थी कि उसके आधे चेहरे की जैसे बनावट ही बदल गई थी। वो पहली नज़र में पहचाना ही नहीं जाता था। दूसरे जख्मों के निशान हालांकि हल्के थे, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क उनमें भी पड़ा ही था। यूँ उसका चेहरा काफ़ी हद तक बदल कर रह गया था। वो मुस्कुराता था तो उसके होंठ में बाईं तरफ हरकत नहीं होती थी, वो होंठ उसी तरह ऊपर को उठा रहता था। अब अगर देवा खुद को खतरनाक और ज़ालिम आदमी जाहिर करना चाहता तो उसे अपने चेहरे पर कोई खास भाव लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका चेहरा खुद ब खुद इस तरह का प्रभाव देता था। मुंबई पहुंचकर वो बस स्टैंड पर उतरा तो बड़ी उत्सुकता से अपने घर की तरफ चल दिया था। लीना का फ्लैट ही उसे अपना घर महसूस होता था और वो वहीं जा रहा था। हालांकि उसे फौज से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन एक वर्दी उसे वापस नहीं ली गई थी और एक पाकिस्तानी रिवॉल्वर जो उसने एक पाकिस्तानी आतंकवादी से छीना था वो उसने खुद अपने पास छुपा लिया था। ये दोनों चीज़ें इस वक्त उसके पास थीं। वही वर्दी इस वक्त उसके जिस्म पर मौजूद थी और अंदरूनी जेब में उसका वो फौजी रिवॉल्वर भी मौजूद था। चेहरे की थोड़ी सी भयानकता के बावजूद इस वक्त वो जिस अंदाज में घर की तरफ जा रहा था उसे वो एक खिलंदड़ा लड़का ही नज़र आ रहा था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे एक टैक्सी नज़र आई थी। उसमें बैठकर वो लीना के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया था। लीना से मिलने की कल्पना से ही उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। उसके रोम रोम में जैसे बिजली भर गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि टैक्सी सड़क पर दौड़ने के बजाय हवा में उड़ने लगे और वो पलक झपकते ही लीना के पास पहुँच जाए। आखिर उसने टैक्सी ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाने के लिए कह ही दिया था। रात के अंधेरे में भी उसने दूर से ही उस इमारत को पहचान लिया था जिसमें लीना का फ्लैट था। फ्लैट की खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी, इसका मतलब था कि लीना घर पर ही थी। वो खुश हो गया। फिर अचानक एक खौफनाक ख्याल ने उसके जहन में जन्म लिया। कहीं वो फ्लैट छोड़कर तो नहीं चली गई, कहीं कोई दूसरा किराएदार तो नहीं वापस आता उसके फ्लैट में। देवा को मुंबई से गए करीब 15 महीने हो गए थे और उस दौरान उसका इस महानगर के किसी भी आदमी से कभी भी कोई संपर्क नहीं रहा था। फौज में जिस तरह उसका वक्त गुजरा था उससे उसका किसी से संपर्क रखना मुश्किल ही था और खुद कुछ सोच समझकर उसने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की थी। उसका फौज में जाने का मकसद ही अपना कोई सुराग छोड़े बगैर ही गायब हो जाना था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा था। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि लीना ज़रूर इसी फ्लैट में रह रही होगी। वो तमाम भड़कते जज्बातों के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी। उसकी गैर मौजूदगी में तो वो फ्लैट छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती थी। देवा को याद आया कि उसकी रवानगी के वक्त लीना कैसे दुखी और मासूम नज़र आ रही थी, किस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी,
किस तरह उसने उसका इंतजार करने के वादे किए थे। टैक्सी से उतरकर देवा ने ड्राइवर को किराए के अलावा टिप भी दी थी, क्योंकि उसने उसकी हिदायत पर गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाई थी और उसे काफ़ी जल्दी लीना के फ्लैट तक पहुँचा दिया था। टैक्सी वापस घूमकर रवाना हो गई। इमारत की लॉबी में पहुंचकर देवा ने लेटर बॉक्स पर नज़र डाली थी। वो लेटर बॉक्स लीना के नाम पर था। उस पर अब भी लीना के नाम का कार्ड चिपका हुआ था। यह देखकर देवा का दिल खुशी से उछल पड़ा था। वो जोश में आकर ऊपर जाने के लिए एक साथ कई कई सीढ़ियां फलांगने लगा। फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक देते वक्त खुशी के मारे जैसे उसके दिल की धड़कनें ही रुकी जा रही थी। अंदर सरसराहट की कुछ क्षीण सी आवाज़ें उभरी थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। कुछ क्षण के इंतजार के बाद देवा ने कुछ बेताबी से दोबारा दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, किसी ने बाहर जाकर देवा की फैली हुई बाहें अचानक नीचे की तरफ झूल गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलकर सावधानी से बाहर झाँकने वाला मर्द था। सूरत से वह काफ़ी शातिर और मक्कार नज़र आ रहा था, लेकिन वह काफ़ी हद तक खूबसूरत था। वो आधी आस्तीन की शर्ट पहने हुए था और उसके बाल बिखरे हुए थे। देवा को सिर्फ एक पल के लिए हैरत का झटका लगा था, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। अगले ही क्षण उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगी थी। उसने पूरी ताकत से लात मारकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की टक्कर से वो शख्स पीछे हटा और लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। इस बीच देवा अंदर पहुंच चुका था। लीना कहाँ है? देवा ने खूंखार लहजे में उस शख्स से पूछा। मर्द के कोई जवाब देने से पहले ही लीना बेडरूम से बाहर आ गई। वो बौखलाई हुई थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक नाइटी थी, जिसके झीने कपड़े में से उसका छलकता हुआ यौवन काफ़ी हद तक स्पष्ट नज़र आ रहा था। ये कीमती और खूबसूरत पीली नाइटी देवा ने ही लीना को खरीद कर दी थी। उसका जिस्म पहले की तरह गुलाबी और भरपूर लगा था देवा को। कौन हो तुम? लीना उत्तेजना से और गुस्से से चिल्लाई। और तुम्हें इस तरह ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे हुई? लीना के इस सवाल पर और उसके अंदाज पर देवा को क्षण के लिए स्तब्ध रह गया था। उसे अपने चेहरे के बदलाव का तो एहसास था, लेकिन ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तब्दीलियों की वजह से लीना भी उसे नहीं पहचानेगी। वो देवा था, लीना का अपना चाहने वाला देवा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? देवा के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। ठीक है, मेरा चेहरा थोड़ा सा बदल गया, लेकिन मैं देवा हूँ। अनचाहे उसका हाथ चेहरे पर पहुँच गया। देवा? वो हैरत और अविश्वास से चिल्ला उठी थी। उसने पास आकर गौर से देवा का चेहरा देखा, फिर बड़बड़ाई। लेकिन तुम देवा कैसे हो सकते हो? अखबार में मरने वाले फौजियों की लिस्ट छपी थी, उसमें तुम्हारा भी नाम था। लेकिन तुम तो वाकई देवा हो। इसका मतलब है कि तुम मरे नहीं हो। अखबार में तो लिस्ट 2 महीने पहले छपी थी। यानी तुम्हारे ख्याल में मुझे मरे हुए 2 महीने गुजर चुके हैं? देवा के लहजे में व्यंग था। लेकिन अफसोस, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा। फिर देवा को उस आदमी का ख्याल आया जिसने दरवाज़ा खोला था। देवा ने पलट कर देखा, वो आदमी दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे खड़ा हुआ था। ये कौन है? देवा ने उस आदमी की तरफ इशारा करके गुस्से में लीना से पूछा। उसका लहजा इतना खूंखार था कि लीना खौफ से अपनी जगह से खुड़कर रह गई थी। फिर वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। ये मेरा दोस्त है, वह हकला रही थी। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है? देवा ने जहरीले लहजे में कहा। फिर उसने 2 क्षण कहर भरी नजरों से उस आदमी को घूरा और फिर तेजी से लीना के बेडरूम में झांकोसा और कपड़ों की अलमारी खोलकर देखने लगा। अलमारी में लीना के कपड़ों के साथ साथ 6-7 मर्दाना जोड़े भी लटके हुए थे। मर्दाना जूते भी मौजूद थे, नाइट ड्रेस भी नजर आ रही थी, टाइयाँ भी थी। देवा जब यहाँ से गया था तो इन अलमारी में इसी तरह के उसके कपड़े और दूसरी चीज़ें मौजूद थी, मगर इस वक्त वो सब कुछ गायब था। उनकी जगह दूसरे कपड़े वगैरह नजर आ रहे थे, जो यकीनन इसी मर्द के थे जो दूसरे कमरे में खड़ा था और जैसे लीना ने अपना दोस्त बताया था। देवा जब बेडरूम से वापस आया तो गुस्से की वजह से उसका जिस्म कांप रहा था। कुतिया, मेरे घर से बाहर पैर निकालते ही तूने दूसरे मर्द को घर में घुसा लिया, वो गुर्राया। मैं इंतजाम करके गया था कि पीटर तुम्हें हर हफ्ते पैसा भेजता रहा। मेरा ख्याल है कि उन्हीं पैसे से तुम इस चूहे के बच्चे को भी पाल रही होगी। उसने हिकारत से उस मर्द की तरफ इशारा किया। लीना का हाथ खौफ से अपने गले पर चला गया और वो फंसी फंसी सी आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो देवा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस वक्त तक किसी आदमी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था, जब तक कि वो रिपोर्ट अखबार में नहीं छपी थी, जिसमें मरने वालों की लिस्ट भी शामिल थी। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम था देवा। मैं कसम खा सकती हूँ कि और मेरे मरने के बाद शायद तुमने एक हफ्ता भी इंतज़ार नहीं किया होगा। देवा ने उसकी बात काटकर जहरीले स्वर में कहा, तुमने तो मेरा शोक मनाने का कष्ट भी नहीं उठाया होगा। तुमने तो लिस्ट में मेरा नाम देखकर किसी और जरिए से उसकी पुष्टि कर लेने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की होगी। वो कहर भरे लहजे में कहता चला गया। फिर उसने एक नफरत भरी निगाह दोबारा मत पर डाली, और इससे तुम्हारे संबंध मेरी मौत की खबर पड़ने से भी पहले से रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी मौत की खबर पड़ते ही ये आसमान से अटपका और तुमने इसे तुरंत साथ में रख लिया। ऐसी सिचुएशन आने में कुछ वक्त तो लगता ही है। फिर उसकी आवाज़ नीची हो गई थी, लेकिन उसमें नफरत और आक्रोश बढ़ गया था। अगर तुम्हारे ख्याल में मैं मर भी गया था तब भी इस घर में शोक मनाने की कोई निशानी तो क्या? तुम्हारे चेहरे पर गम का कोई भाव तक नहीं है। मेरे आने तक तो हमेशा की तरह बड़ी गर्मजोशी से उसके साथ रंगरलियाँ मना रही होगी। तुम्हारे जहन के किसी कोने तक में मेरी कोई कल्पना तक नहीं होगी। फिर उसकी आवाज़ में कहर और आक्रोश के साथ साथ व्यंग का पुट भी शामिल हो गया। तुम्हारी नज़र में मेरी अहमियत ही क्या थी? मैं तो बस तुम्हारे लिए ऐशो आराम से रहने का साधन था, एक मूर्ख आशिक था जो तुम्हें जी जान से चाहता था।
आशिकों की तुम्हारे पास कमी नहीं है। जो ही तुमने मेरे मरने की खबर पड़ी, लाइन में सबसे आगे खड़े आशिक को स्थायी रूप से अपने साथ रहने के लिए अंदर बुला लिया। तुम तो वैश्याओं से भी गई गुजरी हो लीना। ये कहते कहते देवा की आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्से में अंधा हो रहा था। इस दौरान उसका हाथ खुद ब खुद जेब में चला गया था। पलक झपकते ही देवा की गन बाहर आई और एक जोरदार धमाका हुआ। लीना सीने पर हाथ रखकर कालीन पर ढेर हो गई। सीने पर रखे उसके हाथ के नीचे से खून उबल रहा था, जो उसकी नाइटी को भिगो रहा था। पीली नाइटी तेजी से लाल पीली होती जा रही थी। देवा ने उस पर दो फायर और झोंक दिए। फिर वो मर्द की तरफ घूमा। वो एक सोफा चेयर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। देवा ने बाकायदा पोज बनाकर उसका निशाना लिया और गन में मौजूद बाकी की तीनों गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। फिर खाली रिवॉल्वर उसने एक सोफे के कुशन के नीचे छुपा दिया और फ्लैट से निकल गया। उसका सफारी बैग अभी तक उसके कंधे पर झूल रहा था। बिल्डिंग से निकलने तक देवा को कहीं कोई दिखाई नहीं दिया था। उसकी खुशकिस्मती थी कि आते वक्त भी उसे कोई नज़र नहीं आया था, ना ही उसे एहसास हुआ था कि कोई उसे देख रहा है। उसे इत्मीनान था कि यहाँ उसके आगमन की कोई गवाही नहीं दे सकता था। वह अंधेरे में लंबे लंबे डग भरता कुछ ही सेकंड में उस बिल्डिंग से दूर निकल गया था। फिर करीब आधा मील बाद उसे एक टैक्सी दिखाई दी थी और वह एक अच्छे से होटल का पता बताकर टैक्सी में सवार हो गया था। पहले तो उसे उम्मीद थी कि लीना और उसके नए आशिक के कत्ल के सिलसिले में देवा को तलाश करने की कोशिश नहीं की जाएगी। देवा को तब तक लोग भूल ही चुके होंगे, यहाँ तक कि पुलिस ने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया होगा। लेकिन अगर पुलिस ने या किसी और ने उसे तलाश कर भी लिया तो कोई सोच नहीं पाएगा कि वो इस किस्म के होटल में पाया जा सकता है। खन्ना होटल में उसने अपना नाम HS लिखवाया और अपना संबंध पंजाब से बताया। उसे एक बढ़िया सा कमरा दे दिया गया जिसमें बाथरूम अटैच था। कमरे में पहुंचकर देवा ने सबसे पहले ड्रिंक मंगवाई थी और आराम कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के कश लेने लगा था, साथ साथ विस्की के छोटे छोटे घूंट ले रहा था। लीना और उसके नए आशिक को कत्ल करने का उसे कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। हालांकि उसने ये काम बड़े गुस्से और उत्तेजना की हालत में किया था, लेकिन अब गुस्सा उतारने और उत्तेजना खत्म हो जाने पर भी उसे पश्चाताप नहीं हो रहा था। उसे पहली बार इस तल्ख हकीकत का एहसास हुआ था कि लीना को कभी भी उससे मोहब्बत नहीं रही थी। शायद वो मोहब्बत करने वाली किस्म की औरत ही नहीं थी। देवा के लिए यह हकीकत बड़ी दिल दुखाने वाली और दुखदायक थी। देवा के दिल पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसके दर्द पर देवा ने जल्दी काबू पा लिया था। अब वो खुद को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसे संतोष भी था कि लीना हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, क्योंकि वो इस बात की चश्मदीद गवाह थी कि देवा ने विनायक शेट्टी को कत्ल किया था। लीना जब तक जिंदा रहती, देवा के इस संगीन जुम्म की गवाह रहती। उसके जुबान खोलने से वो कभी भी बुरी तरह फंस सकता था। हमेशा उसके सिर पर संगीन तलवार लटकती रहती। जब तक लीना उसके साथ प्यार जताती रहती, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन गुस्से, ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता में वो कुछ भी कर सकती थी। वो देवा की गर्दन में पड़ा हुआ ऐसा खूबसूरत हार थी जो कभी भी फांसी का फंदा साबित हो सकता था। देवा को याद आया कि लीना ने कहा था कि अखबार में उसने शहीद होने वाले फौजियों की लिस्ट में उसका नाम छपा देखा था और यकीन कर लिया था कि वो मर चुका होगा। देवा ने सोचा, कोई नई बात नहीं कि लीना उसका गुस्सा देखकर जान बचाने के लिए वो बहाना बना रही हो। इस बात की तस्दीक बड़ी अहम साबित हो सकती थी। अगर वाकई उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में छप गया था तो देवा के लिए बड़ी खुशी की बात थी, अफसोस की नहीं। इससे उसे भविष्य की योजना बनाने में बड़ी मदद मिल सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद देवा ने इस बात की तस्दीक के लिए पीटर के सैलून का फ़ोन नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे पीटर से बात करनी है, देवा ने अपनी आवाज़ बदल कर कहा। पीटर को तो 4 महीने पहले कत्ल कर दिया गया था, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। बोलने वाले के लहजे में दुबका भाव नहीं था। ओह, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, देवा ने कहा। वाकई उसे बड़ा अफसोस हुआ था। वो बोला, दरअसल मैं काफ़ी दिनों से शहर में नहीं था, इसलिए मुझे ये बात मालूम ना हो सकी। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि पीटर के लिए देवा नामी एक लड़का काम करता था, उससे कहाँ संपर्क किया जा सकता है? क्या वो अब भी वहाँ आता जाता है? नहीं, उस पर तो देश प्रेम का ज़बरदस्त दौड़ा पड़ा था, उसकी तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से कहा गया। वो फौज में भर्ती हो गया था और कुछ महीने पहले कश्मीर में कहीं लड़ता हुआ मारा गया था। ओ, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? देवा ने पूछा। अखबारों में मरने वालों की जो लिस्ट है छपी थी, उसमें उसका नाम भी छपा था, अजनबी ने जवाब दिया था। फिर पूछा था, वैसे तुम कौन बोल रहे हो? देवा ने जवाब देने के बजाय रिसीवर रख दिया। दूसरी बार अपनी मरने की सूचना सुनकर उसे बड़ा सुकून मिला था। उसे ये जानकर खुशी हुई थी कि मुंबई में उसके जान पहचान के क्षेत्रों में उसे मुर्दा मान लिया गया था। इसका मतलब उसकी समझ में ये आया कि पुलिस और विनायक शेट्टी गैंग के लोगों ने भी उसका पीछा छोड़ दिया होगा, बल्कि शायद वो उसे भूल भी गए होंगे। ज़माना बड़ा तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा था। देवा के चेहरे में इतनी तब्दीली आ गई थी कि उसके बताए बगैर लीना भी उसे नहीं पहचान सकी थी, जो काफ़ी दिन उसके साथ रही थी। वो सोच रहा था, इसका मतलब कि मेरी पुरानी शख्सियत खत्म हो चुकी है, अब मैं आसानी से कई शिनाख्त अपना सकता हूँ, एक नए इंसान की हैसियत से नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह। देवा को यकीन था कि इससे उसकी फैमिली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो उसे मरा समझकर शांत बैठ गए होंगे। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब उसकी तरफ से सब्र कर चुके होंगे। वो इस विडंबना को झुठला नहीं सकता था। उसकी मौत की खबर उसके लिए नई ज़िंदगी का पैगाम थी। अगले दिन वो दिन चढ़े होटल के कमरे से निकला और बाहर चला गया।
करीबी डिपार्टमेंटल स्टोर से उसने कुछ कपड़े और न्यूज़ स्टैंड से अखबार खरीदे। होटल के कमरे में वापस आकर उसने अखबारों का जायज़ा लिया। लीना और उसके प्रेमी के कत्ल की खबर मोटी सुर्खियों में छप चुकी थी। फिलहाल पुलिस की नज़र में वो वारदात एक पहेली थी। अखबार से देवा को पता चला कि लीना के साथ उसने जिस शख्स को कत्ल किया था वो माने था, विनोद माने, जो अंडरवर्ल्ड में मैडक के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। वो कमाठीपुरा के एक जुखाने का मालिक था और अवैध शराब का धंधा भी करता था। पुलिस ने शायद इस वारदात की बारीकी से तलाशी नहीं की थी क्योंकि उसे रिवॉल्वर नहीं मिला था। वो यह पढ़कर भी कड़वी हंसी बगैर ना रह सका था कि उसका सगा भाई इंस्पेक्टर शंकर जवान दोहरे कत्ल के उस केस की तफ्तीश और पैरवी कर रहा था। वो तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन चुका था और होमीसाइड के जासूस के तौर पर काम कर रहा था। देवा यह सोचकर मुस्कुरा दिया था कि कभी उसका शंकर से टकराव या सामना होगा तो कितना मज़ा आएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसके मन में आशंका जगी थी कि शायद वो टकराव मज़ेदार साबित ना हो। उसके बाद देवा नाश्ता करके नए कपड़े पहने होटल से निकला था और अपने पुराने इलाके में जा पहुंचा था जहां उसके माँ बाप अब भी रह रहे थे। वो सड़क की दूसरी तरफ से अपनी माँ की दुकान के सामने से भी गुजरा। बड़ी शिद्दत से उसका दिल तड़पा था कि वो दुकान में चला जाए और अपनी माँ से मिले, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया था। रास्ते में देवा को कई ऐसे लोग भी मिले थे जिन्हें वो जानता पहचानता था, लेकिन उसने ज़रा भी पहचान जाहिर नहीं की थी। उन्होंने भी देवा पर एक उचटती सी निगाह डालकर अपनी राह ली थी। फिर देवा ने दिन का ज़्यादातर हिस्सा विभिन्न ढाबों, बारों और सैलूनों में बैठकर गुजारा था। उसका मकसद शराब पीना नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया की ताज़ा तरीन स्थिति की जानकारी हासिल करना था। इन जगहों पर देवा ने बहुत से लोगों से सरसरी तौर पर बातचीत की थी। इस बातचीत से उसे पता चला था कि मुजरमों की गिरोह की आमदनी का इस वक्त सबसे बड़ा जरिया गैरकानूनी शराब का धंधा था। अब इस सिलसिले में गिरोहों की एक दूसरे के इलाकों में दखल अंदाजी और मुकाबलेबाजी बड़ी तेज हो चुकी थी। किसी भी वक्त खून खराबे की संभावना नजर आ रही थी। शराब पर पाबंदी लगने और टैक्सों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के ज़माने से भी पहले इस धंधे पर एक ही शख्स का एक छत्र राज्य था। वो एक बड़े गैंग का सरगना था। हिंसा उसके लिए मामूली काम था, लेकिन एक दिन वो शख्स घुड़सवारी के दौरान घोड़े से गिरकर मर गया था। वो शख्स जिसकी गर्दन पर न जाने कितने इंसानों का खून था और जिसके बारे में लोगों को यकीन था कि उसकी मौत तो बड़ी भयंकर होगी, वो पार्क में घोड़े से गिरकर मर गया था। शायद उन्हीं लोगों के खून के बोझ से उसकी गर्दन टूट गई थी जिन्हें उसने अपनी गुर्गों से कत्ल करवाया था या खुद कत्ल किया था। उसके सभी खास खास आदमियों ने उसकी मौत के बाद उसका कारोबार संभालने की कोशिश की थी, लेकिन गिरोह की सरदारी करने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। धीरे धीरे उनमें से हर कोई अपने कुछ वफादार साथियों को लेकर गिरोह से अलग हो गया था। इसलिए अब शहर में 6 बड़े बड़े गैंग राज कर रहे थे। इनमें से हर एक शहर के एक खास हिस्से में हुकूमत चलती थी और दूसरा गैंग उसके उस इलाके में घुसने की कोशिश में लगा रहता था। देवा ने इस तमाम स्थिति का आंकलन विश्लेषण करके यह नतीजा निकाला कि भविष्य में सिर्फ वही गैंग सब पर हावी रहेगा और सबसे ज़्यादा दौलत कमाएगा जिसके चीफ के पास थोड़ी बहुत अकल होगी, जो अपने धंधे को किसी बड़े कारोबार की तरह, किसी वेल मैनेज कंपनी, किसी कार पोस्ट बिजनेस की तरह चलाएगा। फिलहाल देवा को सबसे बड़ा मामला ये नज़र आया था कि उन सभी गुरुओं के सरगनाओं में से किसी के पास भी अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं। वो बस ताकत की हुक्म दराजी पर यकीन रखते थे। उन गिरोहों को चलाने वाले सिर्फ गन की भाषा समझते थे और खुद भी उसी भाषा में बात किया करते थे। उसका ख्याल था कि अंडरवर्ल्ड में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून ही चल रहा है। उनके सामने अगर कोई दिमाग वाला आदमी आ जाता तो वो उन्हें काफ़ी पीछे धकेल सकता था, बल्कि रिंग से बाहर भी कर सकता था। देवा ने सरसरी तौर पर कुछ और लोगों से भी शराब पिला पिलाकर सवाल जवाब किए थे। उसे मालूम हुआ था कि इस वक्त एक गैंग का सरगना अफजल सुल्तान कुछ अकलमंद और सबसे तेज था। उसका हेडक्वार्टर बांद्रा में था और उसका कारोबार शहर के पश्चिमी इलाके में फैला हुआ था। पश्चिमी इलाके में भी वो बहुत भारी इलाका था और उसका अपना अलग ही प्रशासन था, अलग ही व्यवस्था थी, जिसमें पुलिस कम ही दखल अंदाजी करना पसंद करती थी। देवा दिल ही दिल में अफजल सुल्तान को सराए बगैर ना रह सका। उसने अपने पंजे गाड़ने के लिए बेहतरीन इलाका चुना था। उसी रात देवा अफजल सुल्तान से मिलने जा पहुँचा। अफजल सुल्तान का हेडक्वार्टर बांद्रा के होटल की ऊपरी मंजिल पर था। वो होटल देवा को अपनी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा साफ सुथरा और उच्च स्तरीय नज़र आया था। उसे एक खुशगवार सी हैरत का एहसास हुआ था। अफजल सुल्तान तक पहुंचने में देवा को कोई खास परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास दिन में मिले एक छोटे गैंग लीडर का हवाला था। अफजल छोटे कद का कुछ सांवले रंग का आदमी था, जिस्म उसका काफ़ी मजबूत और घटा हुआ था। नाक नक्श भी कुछ खास नहीं थे। अफजल सुल्तान के होठों में एक मोटा सा सिगार फंसा हुआ था। वो उम्दा और नफीस सूट पहने हुआ था। जुर्म और नाजायज धंधों की दुनिया में उसका नाम कई वर्षों से चमक रहा था, लेकिन जब शराब पर पाबंदी लगी थी और टैक्सों में बेशुमार बढ़ोतरी हुई थी तो अफजल को अपने नाजायज शराब के धंधे में अपनी दौलत के अंबार और ज़्यादा ऊँचे करने का सुनहरा मौका मिल गया था। अफजल की उम्र 35 के करीब थी और इतनी सी उम्र में ही वो काफ़ी ताकतवर और दौलतमंद गैंगस्टर बन चुका था। अफजल से मिलकर ना जाने क्यों देवा को एहसास हो रहा था कि वो एक अच्छा गैंग लीडर है। उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग मौजूद है, वो प्लानिंग करने की योग्यता रखता है।
मैं 2 दिन पहले आर्मी से डिस्चार्ज हुआ। देवा ने वक्त ज़ाय किए बगैर मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, और मैं नाजायज़ धंधों की दुनिया में कदम रखना चाहता हूँ। अफजल बोला, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ, देवा ने बताया। लेकिन तुम हो कौन? अफजल सुल्तान इस बार वाकई किसी गैंगस्टर की तरह हल्का सा गुर्रा कर बोला था। उसकी आंखों में संदेह की परछाइयाँ तैरने लगी थी। सुरेंद्रपाल, देवा ने अपना नाम बदलते हुए कहा। सुरेंद्रपाल, वो अपनी पुरानी पहचान छोड़ने का फैसला तो पहले ही कर चुका था। क्या तुम पहले किसी गिरोह के लिए काम कर चुके हो? अफजल ने पूछा। हुसैर से पैर तक देवा का जायजा ले रहा था। उसकी नज़रें जैसे देवा के वजूद की गहराइयों में उतर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, जंग में जाने से पहले मैं पीटर के गैंग में शामिल था, उसका सबसे खास आदमी माना जाता था। लेकिन मैं अब अपना वो हवाला अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब ये बात लोगों को मालूम ना हो। देवा सीधी साफ और ईमानदारी से बातें कर रहा था। उस हवाले को छोड़ देना ही तुम्हारी अकलमंदी है, अफजल सुल्तान सराहनीय अंदाज में सिर हिलाकर बोला था। पीटर का गिरोह बहुत छोटा था और उन लोगों के धंधे भी छोटे थे। जाहिर है तुम भी उन लोगों के लिए कोई छोटा मोटा ही काम करते रहोगे। इतना छोटा भी नहीं, देवा ने जैसे उसकी गलतफहमी दूर कर दी। मैं तब भी यानी जंग पर जाने से पहले अपना हिस्सा करीब 50,000 रुपये हफ्ता ले रहा था। अच्छा, अफजल सुल्तान की आंखें चमकने लगी थी। इसका मतलब है तुम एक होशियार और जहीन आदमी हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, देवा ने जरा भी विनम्रता प्रकट किए बगैर विश्वास और गर्व भरे लहजे में कहा था। और मैं कोई घटिया किस्म का काम भी नहीं करता था। चोरी चकारी राजनी या लड़ाई बढ़ाई के धंधों में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया था। मैं समझ गया, अफजल ने यूँ सिर हिलाते हुए कहा जैसे वो कल्पना में देवा की गतिविधियों को देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है आगे चलकर तुम मेरे लिए एक अहम आदमी साबित हो सकते हो, लेकिन जाहिर है कि शुरुआत तो तुम्हें नीचे से ही करनी होगी। कुछ अरसे मैं तुम्हें आजमाऊंगा भी। सबसे पहले मैं तुमसे ड्राइवर का काम लूंगा, ज़रूरत के वक्त तुम्हें एक ट्रक चलाना होगा, तुम्हें 5,000 रुपये हफ्ता मिलेगा। देवा का दिल डूबने लगा। उसने ट्रक ड्राइवर बनकर ट्रक चलाने के बारे में सोचा तक नहीं था। वो काफ़ी हद तक इज्जतदार किस्म के काम करने का आदि रहा था। वो असल में एक वाइट कॉलर गैंगस्टर था और अंडरवर्ल्ड में उसकी कुछ इज्जत थी। लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया कि वक्त बदल चुका है, अब उसे नए सिरे से शुरुआत करनी थी। ज़्यादा बड़े गैंग में, ज़्यादा बड़े धंधों में अपने लिए ज़्यादा बड़ी जगह बनानी थी। ठीक है, उसने जैसे ना चाहते हुए कहा, मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन सिर्फ उतना ही अरसा करूँगा जब तक कि तुम्हें इस काम के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं मिल जाता। ये काम तो कोई भी आम सा छोटा मोटा गुंडा कर लेगा। फ़ौज में जाने से पहले तुम्हें हथियार इस्तेमाल करना आता था? अफजल ने पूछा। हाँ, और मैंने कई मौक़ों पर इस्तेमाल भी किया था, देवा ने बेहिचक कह दिया। अफजल सुल्तान कुछ देर खामोशी से उसे गौर से देखता रहा था, फिर बोला, मुझे उम्मीद है तुम ज़्यादा दिन ट्रक नहीं चलाओगे। आजकल तुम्हारे पास कोई गन है? नहीं, मेरे पास करीब 40,000 की पूंजी है, देवा ने साफ गोई से कहा। किसी और से इसका जिक्र ना करना। सामने वाले बैंक में मेरा आदमी तुम्हें एक लॉकर दिलवा देगा, अपनी रकम उस लॉकर में रख देना। ज़्यादा कैश अपने पास रखना या रख कर घूमना अकलमंदी नहीं है, इससे बंदे की सेहत और सलामती के लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। कल दोपहर को यहाँ आ जाना। अब देवा मुजरमों के एक ताकतवर गैंग का कारिंदा बन गया था। मुंबई के इस दूसरे नंबर के सबसे बड़े गैंग के हिस्से में हर तरह के जुर्मों की कमाई का एक तिहाई हिस्सा आता था। एक बड़े इलाके में वो लोग सक्रिय थे।